स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एच पी गोयल जी आई एस क्लास रूम आज हम एनवायरमेंट की वाइल्ड लाइफ सीरीज में नेक्स्ट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एनिमल को डिस्कस करेंगे डू गोंग डू गोंग सी का पिग और सी कैमल कई नाम से जाना जाता है सीरियनिया सीरेनिया ऑर्डर में आता है ये तो प्यारे विद्यार्थियों मैं देख रहा हूँ कि मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की एनवायरमेंट की आप इसको देख ही नहीं रहे वो थोड़े से स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिस तरह करंट में देख रहे हैं ना ऐसे देख ही नहीं रहे आप जबकि मान लिया दो नंबर का आ गया तो दो मार्क्स से ही कई बार एक साल बच जाता है दो मार्क्स से कई बार एक जो है ना आई पी मिल जाता है दो मार्क्स से कई बार कैडर मिल जाता है ठीक है ना मान लिया एक साल आपका दो नंबर की वजह से प्रलीमरी रह गया और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बताते हैं ये दो नंबर से रह गया तो कितनी गलत बात है मैं तीन चार घंटे लगाता हूँ एक इतनी इस पर रिसर्च करके इतना लिखता हूँ फिर टाइप कराता हूँ फिर आप तक लेके आता हूँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इसको मेहनत का फ़ायदा नहीं उठा रहे क्या कोई इंडिया में कोई और जो है वाइल्ड लाइफ पैसा ले रहा है तो फिर ठीक है हो सकता है कोई मेरे से बेटर मुझे लग नहीं रहा कोई वाइल्ड लाइफ की सीरीज़ में कोई इस तरह का रहा है जिस तरह से मैं रिसर्च कर ले आता हूँ ना और मैं एग्जामिनर बन के क्वेश्चन निकालता हूँ ये पूछे जाएंगे आपसे ये इम्पोर्टेंट है तो हम चलते हैं डुगोंग डुगोंग पे सबसे पहले ध्यान रखना कई बार जांगर पूछ लेता है ये नेशनल एनिमल है पपुआ न्यू गिनिया पपुआ न्यू गिनिया पैसिफिक ओशन में अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है आपने ये बिल्कुल हर्बी वर्स है हरबीवरस मैरीन एन मैमल है हरबी वोस मैरीन मैमल ये बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसा कि हर प्योर हर बी वोरस हो इसको सीकाओ इसीलिए कहते हैं सी समुद्री गाय इसके दो जो है टीट्स होते हैं क्योंकि मैमल है ये अपने काओ को दूध पिलाती है देन एकवेटिक है जैसे मैं रेंज मैंने बताया हंड्रेड परसेंट एक्वेटिक है लार्ज ग्रे ब्राउन बुलबस एनिमल विद फ्लैट टेल लाइक वेल मुझे तो यह वेल जैसे ना जैसे अपने ये डॉल्फिन होते हैं वैसे वैसे नजर आती है पहले मैं इसको सी काव समझता था जैसे गाय है चार जो है लग जाती है इस तरह इस तरह नहीं है ये तो बिल्कुल व्हेल जैसी है फिश जैसी इट हैज नो डोरसल फिंस ग्रेज ऑन सी बेड ये सी ग्रास को खाती है इट इज इट इज द ओनली मैरिन मैमल हु ग्रेज ऑन सी ग्रास भाई जहाँ पे सी ग्रास होगी ना वहीं पे ये रहेगी सी ग्रास खत्म हो जाएगी तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी ठीक है इसका समाल एड होता है टेल फ्ल्यूक्स आर सिमिलर टू डोल्फिन इसके टेल फ्लूक्स है ना पीछे वो बिल्कुल डोल्फिन जैसे नजर आते हैं ये माइग्रेटरी नहीं है एक एक एरिया में रहते हैं जहाँ पर सी ग्रास है सोलिटरी है इट इज सोलिट्री दिस कॉम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू इकोइंग विशल्स एंड बार्क्स स्ट्रॉन्ग टैक्टाइल सेंस इसकी जो सेंस है जो इसे सुनने की शक्ति हो तो बहुत अच्छी है लेकिन वेरी पुअर आईसाइट दिखता बड़ा कम है इसको इट ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स लंग्स हैं इसमें इसका मतलब इट इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल ये याद रखना भैया जरूर पूछते हैं आपसे हर एनिमल का ध्यान रखना है जो भी मैराइन एनिमल है ये या टेस्टाइल टेरेस्ट्रियल है ठीक है देन इट जनरली फाउंड इन वार्म वाटर्स नियर कोस्ट भाई ये इक्वेटोरियल के आसपास ज़्यादा है ये उस ज़्यादा बहुत सारे कंट्रीज में है ये नहीं है कि भाई इंडिया में ही है इजिप्ट में बहुत है मेडिट्रेन सी में रेड सी में पर्शियन गल्फ में बहुत ज़्यादा हैं पैसिफिक ओशन में है तो ये इक्वेटर के आसपास ये थोड़ा सा वार्म इसको टेम्परेचर चाहिए देन इट प्रोड्यूसिस मिल्क टू नर्स देयर यंग वंस क्योंकि मेमल है इट इज ए स्टेट एनिमल ऑफ अंडेमान एंड निकोबार अंडे निकोबार का स्टेट एनिमल है ये याद रखना आपने इसका मतलब ये अंडेमान निकोबार में काफ़ी है देन कंजर्वेशन स्टेटस वनरेबल इट इज वनरेबल ऑन आई यू सी एन रेड लिस्ट देन इट इट हैज बीन गिवन द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर जो टाइगर को प्रोटेक्शन वही शेड्यूल वन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के और ये साइट्स की अपेंडिक्स वन में है कि इसका जो व्यापार है इंटरनेशनल ट्रेड इलीगल है देन हम आते हैं अब हैबिटेट्स पे हैबिटेट्स में इंडिया में याद रखने हैं ये कभी भी पूछ सकते हैं आपसे यदि ये क्वेश्चन पिछले सालों में नहीं आया तो जरूर आएगा गल्फ़ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ कच्छ पाक बे अंडे मान ए निकोबार आइलैंड ये चार जगह याद रखने हैं आपने गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ कच्छ पाक बे एंड अंडे मान निकोबार आइलैंड्स मैंने जैसे बताया इक्वेटर के आसपास जो है गर्म इलाकों में ज़्यादा मिलती है जहाँ पे सी ग्रास है ये याद रखना सी ग्रास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछेंगे तो सीग्रास जरूर आएगा देन मैरा नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है वहाँ पे है ये वहाँ पर इसकी ब्रीडिंग है देन मन्नार मैरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में वहाँ पे है ये देन इसको अब जो है थ्रेड्स कौन कौन सी हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी जहाँ पर सी वहीं होती है जिस सी का हैबिटेट लॉस हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगी ठीक है इसका मेन जो है भोजन है वो सीग्रास है देन वाटर पोल्यूशन से खत्म हो जाएगी हो रही है ये देन डिग्रेडेशन ड्यू टू कोस्टल डेवलपमेंट जहां कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है ना वहां पर डिग्रेडेशन हो रही है उस एरिया की तो वहां पर भी जो है क्योंकि कोस्टल पर ज्यादा आती है काविंग भी वहीं करती है सांस लेने में भी इसको कोस्टल जो ना ज्यादा पसंद है तो डीप वाटर में नहीं रहती ज्यादा ये इफ देर इज़ नॉट अनऑफ सीगरास इट डज नॉट ब्रीड नॉर्मली ब्रीडिंग में भी दिक्कत आती है जहाँ सीग्रास नहीं है ना वहाँ ब्रीडिंग इसकी बड़ी कम होगी एंड इट इज हंटेड फॉर मीट ऑयल्स एंड बॉन्स अच्छा ये जो फिश के नेट्स हैं शार्क नेट्स हैं उसमें भी फंस जाती है उसमें भी इसकी जो है इसको थ्रेट है ऑयल स्पील्स जैसे मुद्र मतलब में ऑयल स्पीलिंग हो जाती है ना जहाज़ों से जो है ऑयल लीक कर जाता है उससे भी जो ना ये इसे थ्रेट से फिर इसके प्रीडेटर्स पूछ लेते हैं नेचुरल प्रीडेटर कौन कौन से हैं समुद्र में एक तो क्रो क्रोकोडाइल है याद रखना आप क्रोकोडाइल्स देन कीलर व्हील्स एंड शार्क ये यंग काउ ज़्यादा जो ना जो है कम कर जाते हैं जल्दी यंग काउज को खाते हैं ये उन पर अटैक करते हैं ठीक है अब ये देखिए इतने सारे मैंने करेक्टरिस्टिक बताई इसमें कम से कम छः सात क्वेश्चन बन जाएंगे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाला है और स्टूडेंट्स ने जैसे रिक्वेस्ट की थी, थी ना कि भी इसका आंसर नहीं बताना तो आज आंसर नहीं बताएंगे आपने खुद सोल्व करना है और अपने क्वेश्चन भी फ्रेम करने है इसमें चार पाँच तब तो यदि डुगोंग डुगोंग पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा ये ये समझ लीजिए मैं यू पी का एग्जामिनर जो ना किस तरह से बता रहा हूँ उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस जो चीज़ें पूछता है एग्जामिनर जो छाटता है बच्चों के लिए वो मैंने निकाल दिए हैं बाहर अब ये देखिए इन रेफरेंस टू डुगोंग डुगोंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट हैज सेम लीगल प्रोटेक्शन एज टाइगर जैसे मैंने आपको बताया था ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन में रखा गया है ठीक है इट इज ओनली हरबीवो स्मल विच फीड ऑन शीग्रास अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं आपको इट इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स इट इज फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ कच्छ पाक बे एंड अंडेमान निकोबार आइलैंड्स ये तो कई क्वेश्चन बना दिया दूसरा क्वेश्चन देखिए मान लिया मैं ये बना देता हूँ जो, जो है ये इट इज ए नेशनल एनिमल ऑफ पपुआ न्यू गनिया की जगह कोई और कंट्री दे दिया या ये दे दिया साथ में कि भी ये जो है इट प्रोड्यूस मिल्क फॉर यंग मंस यस स्टेट एनिमल ऑफ अंडेमान निकोबार ऐसा भी पूछ सकते हैं ठीक है ना इसकी ब्रीडिंग के लिए कौन से नेशनल पार्क है इंडिया में मेरा नेशनल पार्क गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ है जैसे पर्सिंद गल्फ में इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ठीक है ना या इसके प्रीडेटर में से पूछ लिया मान लिया क्रोकोडाइल दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीडेटर ऑफ डुगोंग डुगोंग इस तरह से आपने क्वेश्चन फ्रेम कर लो इसमें से और इसके नोट्स जो है आप अपने पास रखो इस तरह से मैं जो है मान लिया सो एनिमल कवर कर दिया मैंने और वही कवर करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट तो आपका हो सकता है मेरे वजह से जो है चार नंबर भी बढ़ जाएँ आपके दो नंबर भी बढ़ जाएँ बढ़ेंगे ज़रूर ये मुझे विश्वास है क्योंकि मैं जो क्वेश्चन निकालता हूँ वो यमर बन के निकालता हूँ चाहे करंट अफेयर्स के हों चाहे एग्रीकल्चर के हों चाहे एन्वायरमेंट के सीरीज के हों तो ये सब बातों के साथ थैंक यू वेरी मच इस वीडियो का आपने बहुत ही जो ना सारे की सारी एक तो पूरी देखनी है एक इसको शेयर करो सब्सक्राइब तो आप जो है फिफ्टी परसेंट अभी सब्सक्राइब किया हुआ है स्टूडेंट्स ने सिर्फ और इसको जो है वायरल करो आप वीडियो को ताकि इससे भी बच्चों को फ़ायदा हो इससे बारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने डुगोंग डुगों दी या दूसरे एनिमल में दिशा से बाहर इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है आपको फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद क्योंकि दो चीज़ होगी एक तो एग्ज़ामिनर का माइंड सेट करके मैंने क्वेश्चन बना दिया भाई एस एच मिल जाए आपको दूसरा आपका टाइम बचा दिया इसमें आपका एक घंटा खराब होता रिसर्च करने में वो मैंने कर लिया अपना और एक मैं ये भी देखता हूँ कौन सा एनिमल लेना चाहिए मुझे ये सिलेक्शन मेरी है एज एग्जामिनर तो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच